उत्पत्ति अध्याय 11। मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी पड़ने का वर्णन। वचन एक। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। वचन दो। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। वचन तीन। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम इत्ते बना बना के भली भांति आग में पकाए। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चुने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। वचन चार। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। वचन पांच। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। वचन छः। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया और अपने जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। वचन आठ। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। वचन नौ। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। शेम की वंशावली। वचन दस। शेम की वंशावली यह है, जल प्रलय के दो वर्ष बाद जब शेम 100 वर्ष का हुआ तब उससे अर्पक्षत का जन्म हुआ। वचन 11। और अर्पक्षत के जन्म के पश्चात शेम 500 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। वचन 12। जब अर्पक्षत 33 वर्ष का हुआ तब उससे शेलह का जन्म हुआ और शेलह के जन्म के पश्चात अर्पक्षत 403 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। वचन 14। जब शेलह 30 वर्ष का हुआ तब उसके एक एबेर का जन्म हुआ और एबेर के जन्म के पश्चात शेलह 403 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। वचन 16। जब एबेर 34 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा पेलेग का जन्म हुआ। वचन 17। और पेलेग के जन्म के पश्चात एबेर 430 वर्ष और जीवित रहा और उसके
और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। वचन 18। जब पहले 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा रू का जन्म हुआ। वचन 19। और रू के जन्म के पश्चात पेलेग 209 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। वचन 20। जब रू 32 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा सरुग का जन्म हुआ। वचन 21। और सरुग के जन्म के पश्चात रू 207 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। वचन 22। जब सरुग 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा नाहोर का जन्म हुआ। वचन 23। और नाहोर के जन्म के पश्चात सरुग 200 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। वचन 24। जब नाहोर 29 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा 13 का जन्म हुआ। वचन 25। और 13 के जन्म के पश्चात नाहोर 119 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। वचन 26। जब तक 13 70 वर्ष का हुआ तब तक उसके द्वारा अब्राम और नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। तेरह की वंशावली। वचन 27। तेरह की वंशावली यह है। 13 से अब्राम नाहोर और हारान का जन्म हुआ और हारान से लूत का जन्म हुआ। वचन 28। हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के उर नामक नगर में जो उसकी जन्मभूमि थी मर गया। वचन 29। अब्राम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राम की पत्नी का नाम सारे और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। यह उस हारान की बेटी थी जो मिल्का और ईश का दोनों का पिता था। वचन 30। सारे तो बांझ थी, उसके संतान न हुई। वचन 31। 13 अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वही रहने लगा। वचन 32। जब 13 205 वर्ष का हुआ तब वह हारान देश में मर गया। आमीन।